राजस्थान के अंदर सीपी जोशी नाम की एक व्यक्ति थी, वो एक मत से हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक मत से हारे थे। सरदार पटेल एक वोट हारे। हाँ, तो आप कीधु ना फ्रांस ने अंग्रेजी भाषा तो ना कीधु ना ये बुद्धि बुद्धि सब साक्षी। हाँ, वो ऐसा देखने को जावे तो गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का महापर्व वो इलेक्शन है। इलेक्शन, चूंटनी जो शब्द आज भारत में प्रचलित है, और मत का मतलब होता है कि मत माने अपनी बुद्धि का दान देना, उसको मतदान बोलते हैं। माने मैं तो हर एक भारतीय नागरिक को, जो मीडिया द्वारा आप हमको सुन रहे हो, तो मैं हर एक भारतीय नागरिक को एक प्रणाम करके साधु की तरफ से आपको एक शब्द बोलता हूँ कि एक मत। बहुत सारे आदमी बोलते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा, एक मत से क्या होगा, तो आप प्रभु पहले इतिहास पढ़िए। एक मत राजस्थान के अंदर सीपी जोशी नाम की एक व्यक्ति थी, वो एक मत से हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक मत से हारे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में एक मत से हारे थे। हिटलर साई आई, वो एक मत से आई। फ्रांस के अंदर जो भाषा आज इंग्लिश है, वो फ्रांस एक मत से अंग्रेजी भाषा आई है। तो एक मत से क्या होने वाला है वो जो आप बोल रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको अपना अधिकार है, स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र नागरिक है, और अपना ये महापर्व अपने को मनाना चाहिए, और अपना नागरिक को हक है जो, वो अपना एक मत है, वो मत अपना दे के एक अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। जैसे कि 2014 से हम देख रहे हैं कि आज भारत के अंदर कितना विकास हुआ है। जो आपका एक वोट होएगा, तो एक वोट के अंदर गरीब का घर बनेगा, राज्य के अंदर एम्स हॉस्पिटलें होएगी, छोटे बच्चे की पढ़तर होएगी, नारी की सुरक्षा होएगी, और देखने को जावे तो आज सनातन के अंदर आप देख रहे हो, जहां देख रहे हो वहां आज विकास हो रहा है। तो आप अपना कीमती वोट क्या है वो आपको विचारना है, और आपके कीमती वोट से क्या परिवर्तन आएगा आगे जाके वो भी आपको विचारना है। तो मैं एक भारत का नागरिक, एक साधु हो के हर एक प्रजा को मैं एक प्रार्थना करके बोलता हूँ कि आप अपना कीमती वोट है, जैसे दिवाली मनाते हैं ऐसा ये पर्व को मना के आप अपना कीमती वोट प्रेम से और आध्यात्मिक दृष्टि से आप अच्छी व्यक्ति को, अच्छी सरकार को देना, जिनसे आगे अपना भारत का भविष्य उज्जवल होवे, ऐसी हम भगवान के प्रार्थना करते हैं। और जैसी सरकार आप एक मत से लाओगे वो सरकार बैठेगी। आज 2014 से हमने बहुत पहले से, 65 साल की उम्र हुई, बहुत देखा। 14 से आपने कहा बम ब्लास्ट देखा, ऐसी बहुत सारी चीजें समझने जैसी। और हर एक भारतीय नागरिक को मैं प्रणाम करके बोलता हूँ कि आप अपना कीमती वोट समय से, आप अपना वोट अच्छी सरकार को देवे, ऐसी मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ, और आपके पास भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके वोट का एक मत भारत का भविष्य है। प्रभु ओम नमो नारायण, जय हिंद।